आपको बता दें कि आप लोग जो होते हैं उन्हें हम कहेंगे पीपल ऑफ प्रेजेंस, यानी पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पीपल ऑफ कमांडिंग प्रेजेंस। ऐसा है कि आप लोगों के अंदर जो शक्ति होती है वो अक्सर लोगों में नहीं होती, और आपकी शक्ति होती है किसी भी चीज को सेटअप करना, किसी भी चीज को पूरी तरीके से आधारित करके बनाना, उसको एक 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 शेप देना, उसको एस्टेब्लिश करना और उसको आगे ले जाना। आप चीज जो है अपने ही तरीके से करते हैं क्योंकि आपको अपना ही तरीका ठीक लगता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह होती है कि जिनके लिए भी आप काम करते हैं उन्हें भी आपकी तरीका ठीक लगता है, तो इसलिए आप जहां तक इंडिपेंडेंट काम संभाल सकते हैं आपके लिए अच्छा है। आप अपना बर्थडे पता है किसके साथ शेयर करते हैं? आप अपना बर्थडे शेयर करते हैं फेमस डायरेक्टर बी आर चोपड़ा जी के साथ, एंड बाहर आप अपना बर्थडे शेयर करते हैं लेनिन एंड जैक निकल्सन जैसे लोगों के साथ। आपको बता दें कि 2016 आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है। भाई सबसे पहले तो बता दें कि आपकी लव लाइफ में कुछ टूटा दिल आ रहा है। अब ये क्यों ऐसा है ये आई डोंट नो, लेकिन मैं बता देती हूँ कि आपकी लाइफ में लेडीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली, चाहे आप खुद ही क्यों ना लेडी हूँ लेकिन लेडीज आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। दो एक्सट्रीम तरह की लेडीज, एक तो है काफ़ी जेंटल, काफ़ी नर्वस किस्म की, जल्दी रो देती हैं, किसी बात को लेकर परेशान हो जाती हैं, थोड़ी सी हिस्टेरिकल हो जाती हैं। और दूसरी किस्म की जो लेडी हैं वो बिल्कुल ही गुस्से टाइप की है, यानी काफ़ी बिटर, सरकास्टिक, गुस्से वाली और कहीं को भी किसी को कुछ भी सुना देने वाली टाइप की लेडी हैं। हो सकता है इनमें से कोई आप भी हो, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप किस तरह के लोगों से मिल रहे हैं और आप खुद किस तरह के इंसान हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए इस बात का। आपके जहाँ तक हम आपके फाइनेंसेस को देख रहे हैं, फाइनेंसेस में मैं समझती हूँ कि अगर आप इंपल्स से काम न लें तो अच्छा रहेगा, यानी आपको सोच समझ के करना चाहिए जो कुछ भी, यानी कि किसी ने कह दिया आपने किसी की बात में आके कर लिया या मन में आया तो कुछ कर लिया। निवेश बहुत सोच समझ के कीजिएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आपके जहाँ तक फैमिली का सवाल है, कोई लेडी से आपको परेशानी हो सकती है जो कि थोड़े से बिटर स्वभाव की है, कड़वी है, कुछ कहीं ना कहीं आपको कुछ कह सकती है या आपको नीचा दिखा सकती है, उनकी अथॉरिटी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो सकती है। करियर में तो आप शाइन करेंगे दोस्त, बहुत अच्छा आपका करियर रहने वाला है। कहीं ना कहीं आपको निश्चित रूप से काफ़ी एक तरीके से सबके सामने शाबाशी मिलेगी, कहीं ना कहीं आप जो है विक्टोरियस रहेंगे अपने करियर के अंदर। ऑब्स्टेकल्स या परेशानियां मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही, बड़ी आसानी से आप इनको पार कर सकेंगे। आप ऑलरेडी काफ़ी कुछ चीज़ों से जूझ के निकल आए हैं, कोई ज़्यादा परेशानी आपको इस साल में है ही नहीं। हेल्थ में भी मुझे कोई परेशानी नहीं दिखाई देती, काफ़ी आप रोबस्ट एंड हेल्दी रहेंगे। जितने आप एक्टिविटी कर सकते हैं करिए, आउटडोर जितना कर सकते हैं करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ में तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही आपकी। आपके लिए मैं आपका हैप्पीनेस क्वोशंट 2016 का दे सकती हूँ उस टाइम पर 6.5 आउट ऑफ